हमारी भी सिमिलर सिचुएशन है देखिए नवंबर की सीरीज की शुरुआत में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अनाप शराब था अजी अलग ही था दिग्गजों को लेकर मिड कैप स्मॉल कप को लेकर तो हम मई मार्च अप्रैल से तेजी में राइट लेकिन नवंबर की सीरीज में जब 11 परसेंट इंडेक्स लॉन्ग के हिसाब से आप शुरुआत करते हैं सीरीज की एफ की इंडेक्स लॉन्ग पे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है कि क्या बेचेंगे होगा तो बेचोगे हम यही बोलते थे क्या बेचोगे आपके पास होगा तो लेकिन यही आप सत्तर परसेंट प्लस पे शुरुआत करते हैं जनवरी की सीरीज हिस्टोरिकली जनवरी की सीरीज में पिछले पाँच सालों में रिटर्न हल्के फुल्के नेगेटिव रहे हैं बजट आपके सामने होता है मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है लोग थोड़े से ओवरबोट हैं पोजिशन के लिहाज से एक करोड़ तीस लाख शेयरों के साथ निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे आप शुरुआत करें जो कि पिछले महीने नन्यानवे लाख था तो ये सारे ट्रिगर्स है जो बाजार को थोड़ा सा हैवी बना रहे हैं और हल्का करेक्शन होना चाहिए वो हल्का करेक्शन होना ठीक है बाजार की सेहत के लिए अच्छा है सो इस बार हमारी स्ट्रेटेजी पहले दिन भी बहुत क्लियर थी कि इंडेक्स में आपको बड़े रिटर्न बनेंगे नहीं स्टॉक स्पेसिफिक आपका एक्शन बनता रहेगा और यही आज भी है इसमें कोई बदलाव नहीं है नीचे में इक्कीस हजार इक्कीस हजार दो सौ आपका स्ट्रांग सपोर्ट है ऊपर में इक्कीस आठ सौ बाईस हजार रुकावट की जगह इस रेंज में आपको टाइम पास करना है पूरा इस महीने थोड़ा नीचे आएगा और अगर आपको अपने स्टॉक्स पे भरोसा है दम है और ब्लोरल मार्केट की तेजी पर भरोसा है सो आई थिंक निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी छोड़कर आप स्टॉक्स में भी रहेंगे ना hmm. तो स्टॉक मार्केट के मूड के विपरीत चलते रहेंगे right. जिनको चलना है वो चलेंगे सो फॉर एग्जाम्पल कल आपका रेलवे फिर से सुर्खियों में आ गया सेक्टर आप देखिए एक के बाद एक सारे रेलवे स्टॉक्स अच्छे एक्शन में आ रहे हैं so, सो ये सेक्टोरल रोटेशन और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जनवरी की थीम है जनवरी की, जन्वरी थीम, की है। थीम और इसी पे फोकस करने से पैसे बनेंगे इंडेक्स में दोनों तरफ के मौके मिलेंगे हमेशा आपको जैसे ही लगेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर एकदम भागने को तैयार है वहां आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी इस कल तो आपने सवाल पूछा भी था मुश्किल दिन में लगातार अचानक से गिर जाता है ये अचानक से गिरने वाला <coughs> जो मामला है जी। आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक ना सो आई थिंक ये क्लियर कट है कि ऊपर से अचानक से फॉल आएगा नीचे आपको लगेगा कि ये तो गया ब्रेकडाउन <coughs> सब खराब हो रहा है अच्छे सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करके रखो, मान लेना है तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको इंडेक्स में लेने और कैश मार्केट के स्टॉक्स में सेलेक्टिव होकर खरीदारी करनी है ये ध्यान में रखना है और उसके लिए आजकल एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी थी आज फिर से वो बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आगे